रविवार को मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और मुरादाबाद के पूर्व सांसद सर्वेश सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान उनके पैतृक गांव में बड़ी संख्या में नेताओं, अधिकारियों और स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा रहा। उनके बेटे और बढ़ापुर के बीजेपी विधायक सुशांत सिंह ने मुखाग्नि दी। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए रतुपुरा गांव में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई नम आंखों के साथ अपने नेता को विदाई देने पहुंचा हुआ था। इस दौरान उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कई जगहों पर बैरिकेडिंग करनी पड़ी। कुंवर सर्वेश सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख समेत कई नेता रतुपुरा पहुंचे थे। लेकिन इन सबके बीच एक तस्वीर ने वहां मौजूद लोगों को उस वक्त और भी ज्यादा भावुक कर दिया। सर्वेश सिंह की बेटी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सामने भावुक होकर रोने लगी और कहने लगी, मेरा भाई अकेला रह गया, उसका ख्याल रखिएगा। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन बाकी हिम्मत रख, कभी मतलब पता ही नहीं, इतना 5 मिनट में चले गए सारा साम्राज्य, उसे कुछ भी नहीं पता। अंकल आप, अंकल प्लीज उसका साथ नहीं छोड़िएगा। पाठक जी वैसे ये बेटी है भाई, बेटा घबराने, हम लोग साथ हैं, हिम्मत रख। प्लीज ओनली वन, सुशांत से पूछेगा तो मेरा छोटा भाई है, अभी साथ में उसका कोई भाई नहीं है। मैं हूं बेटा, चिंता मत करो, हम लोग हैं। हाँ, बहुत कमजोर है आप, चिंता मत करो बेटा, सुशांत मेरा भाई है, पूछिएगा। बस पापा की वजह से स्ट्रांग थे, मैं पूरी तरह साथ हूं। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी कुंवर सर्वेश सिंह की बेटी भावुक होते हुए कहने लगी, उनका भाई अब अकेला रह गया है, उनका कोई भाई नहीं है, कोई साथ नहीं है। इस पर ब्रजेश पाठक ने दिलासा देते हुए कुंवर सर्वेश सिंह की बेटी से कहा कि मैं हूँ, उसका भाई हूँ, हम ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, सदे सर्वेश सिंह जी का आकस्मिक निधन हो गया। वो पार्टी के बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश को बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, हमारी पार्टी को क्षति हुई है। भारतीय जनता पार्टी आज शोकाकुल है, शोक की लहर है। सबसे बड़ी बात ही वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, गांव को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, समाज में सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलते थे। उनके आकस्मिक निधन पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत, उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, सबको ताकत प्रदान करें कि असहनीय पीड़ा को सब लोग सहन कर सकें और परिवार लोग के लोगों को जो शोक संतप्त हैं, क्षेत्र के लोग संतप्त हैं, उन सबको ईश्वर ताकत दे जिससे वो इस पीड़ा को सहन कर सकें। आपको बता दें, शनिवार शाम बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया था। वो मुरादाबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार थे, उनकी सीट पर शुक्रवार को मतदान हुआ था। सर्वेश सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, दिल्ली के एम्स अस्पताल में कुंवर सर्वेश सिंह का इलाज चल रहा था। वो चुनाव प्रचार के दौरान भी नजर आए थे। सर्वेश सिंह 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं।